पाकिस्तान से मुजाहिदीन जाते हैं, उनकी मदद के लिए जाते आप उनको मुजाहिदीन कहते हो, इंडिया उनको दहशत, वो तो टेररिस्ट बोलेगा ना, वो इंडिया को मारते हैं वो टेररिस्ट तो बोलेंगे उनको, तो नहीं करना चाहिए ना ऐसा। क्यों उनको जाना चाहिए, जिहाद तो करना चाहिए ना। अगर कश्मीरी कहते हैं हमने इंडिया के साथ रहना, उन्होंने हर घर में तिरंगा लहरा दिया, वो खुश हैं, उनके पास सब्सिडीज हैं, वहाँ पे होगी वैसे देखे जितने भी मुसलमान है ना। तो कैसे हो आप सब, आई होप अच्छे ही होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। एक तरफ हमारे भारत में हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा लहराया है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में 70% पाकिस्तानियों ने हैप्पी बर्थडे मनाने से मना कर दिया कि क्या होता है हम नहीं मनाएंगे, क्योंकि जब आटा ही नहीं है पाकिस्तान में तो केक कहाँ से आएगा यार, बेचारे हैप्पी बर्थडे भी नहीं मना सके। ये दिन भगवान पाकिस्तान को ही दिखाए। तो चलिए पाकिस्तानी जाहिलों के आनंद उठाते हैं। ठीक है, आज हम पाकिस्तानियों से बात करेंगे हर घर तिरंगा कैंपेन पे, जो कि भारत में पिछले साल भी चली और इस साल भी कश्मीर के हर घर पे तिरंगा लहराया गया। अगर हम बात करें पाकिस्तान की या पाकिस्तान के कश्मीर की, अनफॉर्चुनेटली 70-80% पाकिस्तानियों ने बायकॉट किया 14 अगस्त को। कॉन्ग्रेचुलेशन। इसके साथ साथ कश्मीरियों ने भी कोई अपने घर के ऊपर पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया और वहाँ पर नारेबाजी की गई कि हमें जो है तिरंगा लहराना है। इंडिया के कश्मीर में एक कैंपेन चली हर घर तिरंगा, तो कश्मीर में अभी सोशल मीडिया आपके पास अगर इंटरनेट आप सर्च करें, तमाम कश्मीरियों ने अपने घर के ऊपर तिरंगा लहराया, तो ये गलत है ना। हमारी आवाम और हमारी हुकूमत को इसके साथ एक्शन लेना चाहिए। अच्छा ठीक है, कि इसीलिए एक्शन लेना चाहिए कि देखें हम अगर ये चीज़ नहीं ना रोकेंगे तो ये मजीद दिन ब दिन बढ़ती रहेगी, इंक्लूड होगी। अच्छा। और इसके लिए जो सा हमारे इन फ्यूचर ठीक है, ये जब ज्यादा हो जाएगी तो ये हम पे प्रेशर डालेंगे। अच्छा, प्रेशर डालेंगे जिसकी वजह से हम जो सा दबाव में आ जाएंगे, बस हवा निकल गई। इसीलिए अभी ये स्टार्ट है, इसको रोका जाए, अवाम निकले, हुकूमत बोले, इसको ज्यादा ज्यादा ना रोका जाए, ठीक है, एक्शन लिया जाए। और जिसके लिए ये है कि हम अपना यानी के जो पाकिस्तान जिसमें हम रहते हैं, हमें फख्र है, प्राउड है इसमें, उसका ही कहते हैं हम इंडिया का नारा लगाएंगे, हमें इंडिया के साथ जाना है, पाकिस्तान गवर्नमेंट हमें ना सपोर्ट कर रही है ना हमें सब्सिडीज दे रही है, उल्टा हमारा पानी चोरी करके पंजाब को सप्लाई कर रही है, हमें कुछ नहीं दे रही। ये गलत है, ये 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 कश्मीरी जो कह रहे हैं ना ये गलत है, क्योंकि ये कहीं तक सही भी है क्योंकि पाकिस्तान उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा क्योंकि पाकिस्तान सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि उनको फिर भी जोन सा है ना पाकिस्तान की ही हमायत करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए, वजह एक मुल्क आपको कुछ दे नहीं रहा, आप जो आपका बजट भी नहीं पूरा कर रहा, उनके वजीर आजम बेचारे रोते हैं कि कुछ मुझे भी दे दो मैं कश्मीर पे लगा दूं, ना हमारे कश्मीर में हॉस्पिटल है, ना वहाँ पर स्कूल है, ना कॉलेज है, कुछ भी नहीं है उन बेचारों के पास। इसीलिए क्योंकि ये ना अपनी अपनी मारो मार में लगे हुए हैं, इनकी तरफ तवज्जो ही नहीं है कि हमारे वहाँ भी मुसलमान भाई बहने रहती हैं। कश्मीर के लाल चौक पर क्या पीओके पर भी तिरंगा फहरेगा, याद रखना मेरे अल्फाज, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। क्लियरली देखिए कि किस तरीके से कश्मीर में अमन और शांति का माहौल है, वैसा कुछ भी नहीं है जैसा बताया जाता है, जैसे पाकिस्तान में या फिर कोई भी दहशत गर्द आके कुछ भी बोल देता है कश्मीर में वैसा कश्मीर में। आप खुद देखिए, आज आप खुद वीडियोज में खुद देखिए कि आज कश्मीर कैसा है। वाह मोदी जी वाह, क्यों यो किट्टू भाई, लेकिन इनको चाहिए कि वो वहाँ पे फोकस करें, ठीक है, उनका सोचे, वो भी अपने ही हैं हमारे। अबे साले जाहिल, कश्मीरी तुम्हारे कहाँ से हो गए हैं? देखिए एक वक्त था कश्मीर का जो इंडिया था, लाल चौक पे पाकिस्तान का झंडा वो लहराते थे 14 अगस्त पे, आज वहाँ पर तिरंगा लहराया गया, इतने बड़े चेंज के बारे में क्या कहेंगे? ये इतने बड़े चेंज के बारे में यही कहूंगा कि ये हमारे लिए शेम की बात है। वो कांग्रेस का राज था जो पाकिस्तानियों को पालती थी, अब मोदी जी है तुम्हारे घर में घुसकर तिरंगा लहरा सकते हैं। कश्मीर के ऊपर हर घर पे तिरंगा लहराया गया और अपने कश्मीर का हाल देख ले, वो 14 अगस्त को बायकॉट कर रहे हैं। मुझे तो इस बात का नहीं पता, मैंने तो आज तक यही देखा है, वो जब भी नारा लगाते हैं पाकिस्तान का लगा। वो वक्त चले गए, अभी आप गूगल करें आपको हजारों वीडियोस कश्मीरीज की मिलेगी जो उन्होंने भारत के लिए गाने गाए हैं, उनकी बच्चियों ने रैलियां निकाली है, हर घर तिरंगा का कश्मीरियों ने इंडिया का जो ये मैं तो आपसे सुन रहा हूँ, मैंने तो आज तक यही देखा है कि कश्मीर में आज तक जितनी भी जंग लड़ी है उन्होंने पाकिस्तान का नारा लगाते हैं, कलमे का नारा लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, मैं तो आज आपसे सुन रहा हूँ। तो मैं आपको सही रिपोर्टिंग कर रही हूँ ना, उन्होंने हर घर तिरंगा, वो कहते हैं हमें पाकिस्तान के साथ ना जाना है, ना हमारा पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक है, हम इंडियन कश्मीरी हैं और हम यहाँ पर 76 साल से कश्मीर कश्मीर कह रहे हैं, वो हमें मुँह नहीं लगा रहे।
ये तो आजादी वाली बात है, लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला जब ये आजाद होगा तो पाकिस्तान में कौन आजाद करेगा और क्यों आजाद होगा? देखिए, जब तक हमारे हुक्मरान इसको सीरियस नहीं लेते, जैसे ये इमरान खान ने बेड़ा गर्क किया है, अच्छा 74 साल में से 370 ए बी लगा हुआ था, इसने आगे ख़त्म करवाया, जिसकी वजह से इंडिया वहाँ पे हैवी हुआ है, जो जगह उन्होंने ले ली है या जो भी मामला हुआ है, वो 73 साल से वो स्टे नहीं टूटा था, इसने आगे उसका सौदा किया, जिसकी वजह से मेरा ख्याल था कश्मीरियों ने कोई रिजेक्शन किया होगा। वैसे तो मेरा ख्याल ऐसा कोई बात नहीं। आपने आर्टिकल 370 की बात की, जब से आर्टिकल वहाँ पे हटा हमने देखा दुबई ने भी इंडिया के कश्मीर में इन्वेस्टमेंट की, फिर वहाँ पे टूरिज्म इजाफा, 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट ने कश्मीर को विजिट किया, ऐसा कश्मीर जहाँ पे कोई डर के मारे जाता नहीं था। यही चाहते थे ना, वो यही चाहते थे जो पीटीआई ने किया है, वो यही चाहते थे। 73 साल से तो ऐसा नहीं हुआ, 73 साल के बाद ये हुआ ना, 370 जब खत्म हुआ तभी किसी ने इन्वेस्टमेंट किया और तभी जाके कश्मीरियों का हक छीना जा रहा है, वैसे 73 साल से तो ऐसा नहीं हुआ था। हम कहते हैं कि हमने कश्मीरियों के साथ है, हम 5 अगस्त को भी कश्मीर डे मनाते हैं, हमारे जो पॉलिटिशियन है कश्मीर के नाम पर हमसे वोट भी मांगते हैं, लेकिन क्या सही मानों में कभी हमने कश्मीर का साथ दिया है या कभी हमने कश्मीर में डेवलपमेंट नहीं दिया? जितना जुल्म कश्मीर में हो रहा है किसी में साथ नहीं दिया, ये बात तस्लीम करनी होगी। हाँ, मुजाहिदीन ने कोशिश की है, उन्होंने अपनी जानें भी दी हैं, वहाँ पर जहाद भी किया है, अपना खून भी ज़ाया किया, सारा कुछ किया, उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, पाकिस्तान से कोई रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला उनको, ये बात अच्छा, सच्ची है, ये बात सच्ची है। अच्छा, जब यहाँ से हम जिनको मुजाहिदीन कहते हैं, इंडिया वाले उनको टेररिस्ट बोलते हैं, जब ये वहाँ पर जाते हैं मासूम लोगों को शहीद करते हैं, आर्मी के ऊपर अटैक करते हैं, तो इसका आपको पता है कश्मीर को कितना नुकसान उठाना पड़ा है? ये बात आपकी ठीक है, लेकिन निहत्ते हमारे हमारे हरकतों की वजह से वो बेचारे डेवलप नहीं कर पाए, हमारे वजह से वहाँ पे कितनी ज्यादा टेंशन रही है, जाहिर है उनके बच्चे भी मरे, पंजाब का तो कोई नहीं मरा, मरे तो मासूम कश्मीरी हैं। कश्मीर में देखें जितना भी जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान तो नहीं कर रहा, इंडिया ही कर रहा है ना, पाकिस्तान से ही लोग जाते हैं वहाँ पर, पाकिस्तान से मुजाहिदीन जाते हैं, उनकी मदद के लिए जाते हैं। आप उनको मुजाहिदीन कहते हो, इंडिया उनको दहशत, वो तो टेररिस्ट बोलेगा ना, वो इंडिया को मारते हैं वो टेररिस्ट तो बोलेंगे उनको, तो नहीं करना चाहिए ना ऐसा, क्यों उनको जाना चाहिए, जहाद तो करना चाहिए ना। अगर कश्मीरी कहते हैं हमने इंडिया के साथ रहना, उन्होंने हर घर में तिरंगा लहरा दिया, वो खुश हैं, उनके पास सब्सिडीज हैं वहाँ पे, वैसे देखे जितने भी मुसलमान हैं ना, जिन्होंने जाने कुर्बान किए हैं, जो कुर्बानी दे रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, वो तो पाकिस्तान को चाहते हैं। देखिए, चलो एक बात है, हम कहते हैं हमने वो कश्मीर लेना है, हमारे हमारी इतनी इस वक्त हैसियत रह गई है कि हम उन कश्मीरियों को पाल सके, जब हमारे हमसे अपना पाकिस्तान, जो हमारी हैसियत की बात है ना, वो तो जो इधर हो रहा है ना पाकिस्तान में, पाकिस्तान की वाम अभी तक तो वो सुकून में नहीं है, नहीं है। कैसे लेंगे? ये आपने सही बात की कि भाई ये सिर्फ नारेबाजी, हमें कश्मीर चाहिए, हमें ये, वो सियासत है, लेकिन इन रियलिटी देखे तो हम कश्मीर के लिए कुछ भी नहीं करे। ये देश दुनिया से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, ये इनको जो पढ़ाया जाता है, जो कचरा वो इनके दिमाग में घुसा रहता है, ये अपनी गाते रहते हैं, न्यूज व्यूज कुछ नहीं देखते कि क्या होता है, लॉजिक फैक्ट गए भाड़ में, फिजा के पिछवाड़े में इनको बस जहालत दिखानी होती है। आज का वीडियो बस इतना ही, आपके क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना, आप अपना ख्याल रखना, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।